दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलने के लिए आबकारी नीति को लेकर राजधानी में जनमत संग्रह करने का फैसला लिया है। इससे पहले बीजेपी आबकारी नीति के विरोध में बाइक रैली निकाल चुकी है और अब दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ जनमत संग्रह कराएगी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जनमत संग्रह कार्यक्रम के तहत जगह जगह पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आगामी निगम चुनाव को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर करारा हमला बोला है। जनमत संग्रह को लेकर बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें आम आदमी पार्टी से 7 सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है क्या। पोस्टर में दूसरा सवाल धार्मिक स्थलों और स्कूल के निकट शराब की दुकानें खोलने को लेकर पूछा गया है। वहीं तीसरा सवाल धार्मिक त्योहारों और महापुरुषों की जयंतियों पर शराब के ठेके को खुले रखने के फैसले पर पूछा गया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्वराज पुस्तक में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं, मोहल्ला सभा और RWA से अनुमति मिलने के बाद ही शराब की नई दुकानें खुलेंगी। इसके विपरीत मास्टर प्लान का उल्लंघन कर आम जनता के विरोध के बावजूद शराब की दुकानें खोली जा रही है। स्कूल और मंदिर के पास शराब की दुकानें खोली जा रही है। भाजपा नई आबकारी नीति का लगातार विरोध कर रही है। देखिए, पिछली बार जब हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हमारे कार्यकर्ता घर जाकर 15 लाख से ज़्यादा लोगों को हस्ताक्षर करा के इस शराब नीति के खिलाफ उनका जनमत आया था। लेकिन ये बड़ा विस्तृत अभियान है और ये अभियान जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण होती है। जनमत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता की जो मांग थी और जनता की जो चाहती थी उसको एक तरफ करके उनके साथ नाइंसाफी की है। एक ऐसी पॉलिसी लिया है जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद होगी, जिससे दिल्ली बर्बाद होगी, जिससे दिल्ली की महिलाएं और गरीब व्यक्ति उनको भी शराब भी बनाने की जो योजना केजरीवाल लाए, इसके खिलाफ हमने कई अभियान चलाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब की दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी। 350 के करीब दुकानें बंद कराई गई हैं, अन्य अवैध दुकानें बंद कराई जाएंगी। विधायक अजय महावर ने हाईवे के नजदीक खोली गई शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया था। एक्साइज पॉलिसी लाई गई, भाजपा के सभी विधायकों ने इस नई शराब नीति का जमकर विरोध किया और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि आप ये बताइए कि दिल्ली में पहले 249 प्राइवेट शराब के ठेके थे, उनकी संख्या अब बढ़ाकर 4000 से ज्यादा कर दी गई है। पहले शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी में यह भी कहा है कि हम दिल्ली में 5 ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने के तरीके बताए जाएंगे। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई एक्टिंग सीखी है? क्या आम आदमी ऐसा होता है? भैया तरस करो इस दिल्ली पे, इसको रोको। तो मैं इस सलामती के लिए और इनको मालिक बुद्धि बख्शे इनके लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि हम तो वो है ना सूफी जो इनके लिए भी प्रे ही करेंगे कि मालिक, ऐ मेरे मालिक, अन्ना हजारे तेरा भला हो भी, अच्छा बंदा दिया तुमने। क्या एक्टर दिया? पहले हम फिल्मों में काम करते थे, हम भूल गए। इसने कोई एक्टिंग सीखी भी नहीं, पर कमाल का बस वो
बैफलो में बैठ के आतंकवाद की बातें करता है, अगर वो बात की जाती है तो इतनी सी गिच्ची लेके टीवी के सामने आके भाइयों बहनों मैं आपको अतवादी लगता हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, देख लो कितना मासूम हूँ। इसके अलावा शराब के ठेकेदारों के कमीशन को 2% से बढ़ाकर 12% करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और लोगों से पूछा है कि क्या ये फैसला सही है। ठेकों की संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। शराब नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने बड़े स्तर पर जनमत अभियान की शुरुआत कर दी है और इस जनमत अभियान के तहत दिल्ली बीजेपी दिल्ली के लगभग 1100 जगहों पर 10,000 लोगों से शिकायत पत्र दाखिल करवाएगी। देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली बीजेपी किस तरीके से आने वाले MCD चुनाव में जनमत अभियान के तहत लोगों को लुभाती है। राजेश तंवर, जनता टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।